नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज हिंदी में एक बार फिर से। ओमान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पिछले 3 दिनों का आंकड़ा जारी करते हुए बताया है कि ओमान में 29 नए कोविड मामले सामने आए हैं, 2 व्यक्तियों की दुखद मृत्यु हुई है। सल्तनत में दर्ज कुल मामलों की संख्या 3,04,054 हो गया है और मरने वालों का कुल आंकड़ा 4,105 को क्रॉस कर गया है। ओमान में अब तक 98.5% की रिकवरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने दर्ज की है, यानी कि 2,99,424 लोग पूरी तरह से ठीक हो गए हैं और इस समय ओमान में जो एक्टिव कोविड मरीज हैं उनकी संख्या 525 बताई जा रही है। पिछले 24 घंटे के अंदर 2 व्यक्तियों को हॉस्पिटल्स में एडमिट कराना पड़ा है और ओमान में इस समय केवल 21 पीपल ही हॉस्पिटल्स में अपना इलाज करा रहे हैं, जिसमें से 8 लोग ओमान के आईसीयू में एडमिट हैं। देख, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर की शुरुआत हो चुकी है और पहले उद्घाटन मैच में ओमान ने पापुआ न्यू गिनिया को जबरदस्त तरीके से रौंदते हुए उसको 10 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करने उतरी पापुआ न्यू गिनिया की टीम 129 रन ही बना पाई 9 विकेट के नुकसान पे और इसके जवाब में ओमानी ओपनर्स ने बिना विकेट गवाए 130 रनों का जो चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया। जी हां, ओपनर जतिंदर सिंह ने 42 गेंदों में 73 रनों की जोरदार पारी खेली और इसके साथ अकीब इलियास ने 43 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली है। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म का विस्तार करते हुए ओमान इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी खेडमा ने एक नया पेमेंट एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, इस पोर्टेबल मशीन के माध्यम से आप अपने फोन को बस इसमें टच करेंगे और आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और इस मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करना काफी आसान है। ग्राहकों को कहीं भी किसी भी परिस्थिति में पेमेंट करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओमान के हर जगह पर जो मुख्य केंद्र है वहां पर इस मशीन को रखा जाएगा। अहद फाउंडेशन और ओमान महिला संघ के स्वयं सेवकों ने उत्तरी और दक्षिणी अल्बतीना के शाहीन पीड़ित लोगों तक राहत का सामान देकर ओमानी महिला दिवस को एक यादगार रूप से मनाया है। जी हाँ, जिस क्षेत्रों में लोगों को जरूरतों की सामान की आवश्यकता थी उस क्षेत्र में इनका काफिला गया और लोगों और बच्चों तक उनके जरूरत के सामान को पहुंचाया गया। T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर में स्कॉटलैंड और बांग्लादेश के बीच में T20 मैच का आयोजन किया गया और इस मैच में सभी बांग्लादेशी खिलाड़ी या फिर जो भी क्रिकेट प्रेमी हैं वो समझ रहे थे कि स्कॉटलैंड को बांग्लादेश काफी आसानी से हरा देगा, लेकिन स्कॉटलैंड ने बहुत बड़ा उलटफेर करते हुए बांग्लादेश को 6 रनों से हरा दिया है। अंतिम 3 गेंदों पर बांग्लादेश को 24 रनों की आवश्यकता थी जिसमें से 18 रन ही वो बना सके। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर शाही क्षमा का ऐलान किया है, जिसमें 107 प्रवासियों सहित 328 कैदियों को शाही क्षमा दान दिया गया है। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक का यह शाही क्षमा दान मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन के अवसर पर कैदियों के परिवारों को ध्यान में रखते हुए किया गया। सार्वजनिक और निजी भागीदारी PPP मॉडल के आधार पर बरका में एक नया हाउसिंग प्रोजेक्ट ओमान के आवास और शहरी नियोजन मंत्रालय ने अनाउंस किया है, जिसमें 4,800 नई आवासीय इकाइयां बनाई जाएंगी। ओमान के सुप्रीम कमेटी ने बताया था कि 1 सितंबर से ओमान के सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए उन्हीं व्यक्तियों को पात्र माना जाएगा, उन्हीं लोगों को परमिशन दी जाएगी जिन्होंने कम से कम 1 डोज वैक्सीन की लगाई हो। लेकिन अब 15 अक्टूबर से ओमान के सार्वजनिक और निजी दफ्तरों में जाने के लिए कंप्लीट टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही परमिशन दी जा रही है, यानी कि जिन्होंने दोनों डोजेज लगवा ली हैं उन्हीं व्यक्तियों को सरकारी और निजी दफ्तरों में जाने की अनुमति है। फिलहाल इस समय प्रवास और ओमानी लोगों के लिए वैक्सीनेशन की जो चरण है वो चल रहा है और जो भी प्रवासी अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाए हैं प्लीज तारसुद प्लस एप्लीकेशन पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और जा करके गवर्नमेंट के राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के तहत अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट कराइए। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में भारतीय टीमें जुट गई हैं और भारत का पहला मैच भारत और पाकिस्तान के बीच 24 अक्टूबर को खेला जाएगा और इस मैच से पहले भारतीय टीम के साथ महेंद्र सिंह धोनी जुड़ गए हैं। जी हां, मेंटोर के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड कप के दौरान भारतीय खिलाड़ियों के साथ मौजूद रहेंगे और भारत के कप्तान विराट कोहली ने कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी की मौजूदगी से हमारे ड्रेसिंग रूम में सभी खिलाड़ियों का आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल काफी पॉजिटिव रहता है। और ओमान के अग्रणी बैंक वित्तीय सेवा प्रदान करने वाला मस्कट बैंक ने कर्मचारियों सहित सभी ओमानी महिलाओं को निरंतर प्रयासों और उनकी उपलब्धियों के लिए गहरी
प्रशंसा की है। जी हाँ, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सल्तनत की जो स्थिरता है, उसकी प्रगति है, जो दीर्घकालीन विकास में महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है। ओमान के कच्चे तेल की कीमत पूरे विश्व मार्केट में लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से पिछले 3 सालों में कच्चे तेल की कीमतें $82 प्रति बैरल के हिसाब पे पहुंच गई हैं, ये दर्शाता है कि विश्व में जिस तरह से जो खपत है उसके हिसाब से जो डिलीवरी नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से कच्चे तेल की कीमतों में इतना बड़ा उछाल आया है। और इस उछाल से ओमान की अर्थव्यवस्था को बहुत ही पॉजिटिव संदेश मिला है। और सऊदी अरब की मक्का मदीना मस्जिद में जो प्रार्थना सभा है पूरी क्षमता के साथ आयोजित होने शुरू हो गई है। ये पहली बार है कि कोरोना महामारी के बाद से इस मस्जिद में एक साथ इतने सारे श्रद्धालु एक साथ नमाज पढ़ने आए। जी हाँ, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के जो निशान है उसको भी मिटा दिए गए हैं। हालांकि जो मस्जिद के परिसर में मास्क लगाना अनिवार्य है। महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक ने अजरबैजान गणराज्य के राष्ट्रपति डॉक्टर इलहाम हैदर को उनके देश के स्वतंत्रता दिवस के वर्षगांठ पर बधाई संदेश भेजा है। अपने संदेश में महामहिम ने लिखा है कि आपके और आपके देश के लोगों की प्रगति और समृद्धि की हम ईमानदारी से बधाई देते हैं और अच्छे स्वास्थ्य और खुशी की कामना करते हैं।